सारे लोग चिंतित थे, काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जब मल्टी माइनिंग फेस खलास हो जाएगा तो फिर टीयर का क्या काम होगा। तो ऑफिशियली अपडेट आ चुका है और ये क्लियर हो चुका है कि अभी यूनाइटवर्स के जो टीयर है वो गेम एफ जैसे मेटावर्स में भी हमें काम में आएंगे और स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से काम करेगा और स्मार्ट मैट्रिक को गेम एफ के नाम से जाना जाएगा, गेम एफ मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा वीडियो ऑफिशियली साइट से हमें आया है, तो उसी को हम देखने वाले हैं और फिर से एक बार हम स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर हालांकि आपको पता है, फिर भी एक बार हम इसको रिवीजन कर लेंगे ताकि बारीकी से हम इसको समझते रहे। दोस्तों मेटाफोर्स ये पूरी तरीके से टेक्निकल प्लान है जिसको हमें लगातार सीखते रहना है। हम सीखते रहेंगे तो यहाँ से हम अपडेट होते रहेंगे और हम अर्निंग भी करेंगे। जो लोग भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेटाफोर्स का प्लान बहुत अच्छा है, हमें तो समझ में आ गया लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं दोस्तों आपको लर्निंग करने की आवश्यकता है। मेटाफोर्स में जिन्होंने भी बड़ा काम किया है उन्होंने लगातार सीखते गए हैं, लर्निंग करते गए हैं। जैसे कि टाइगर टी मीडिया का जो जूम मीटिंग होता है ये सवेरे 8 बजे होता है, शाम को 8 बजे होता है और ये डेली होता है। कारण क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से टेक्निकल है और ये एजुकेशन बेस है। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे दोस्तों आपका अर्निंग नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट समझ में आया है लेकिन कैसे बताना है, सामने वाले को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये अगर जब तक आप रेगुलरली जूम में आते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी लर्निंग करने की आवश्यकता है। दोस्तों जितने भी बड़े लीडर्स मेटाफोर के हैं उन्होंने लगातार लर्निंग की है तभी उनकी अर्निंग अच्छी हुई है। तो चलिए ये वीडियो हम देख लेते हैं जिसके बारे में जानकारी वापस से एक बार लेते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर यूनाइटवर्स को जिस नाम से हम जानते थे, अभी आने वाले समय में जैसे मल्टी माइनिंग क्लास हो जाएगा तो यही स्ट्रक्चर मेटावर्स में यूज़ किया जाएगा। 100% रेवेन्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि आपको पता है 62 स्पॉट यहाँ पे होते हैं। आने वाले समय में जब से मल्टी माइनिंग क्लास हो जाएगा तो मेटावर्स में हमारी एंट्री होगी, फिर गेम एफएफ मेटावर्स के कई सारे अलग अलग वर्जन, अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो गए। जैसे यूनाइटवर्स का जो टीयर, पहले हमने मल्टी माइनिंग में इसको यूज़ किया, आने वाले समय में मेटावर्स में ये यूज़ होगा। मल्टी माइनिंग केवल हमने फोर्स कॉइन के लिए इसको यूज़ यहाँ पे किया था। तो फिर से एक बार हम स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। वैसे तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, फिर भी एक बार हम इसको समझते हैं। जैसे कि इसमें 9 टीयर थे, 9 लेवल थे, लेवल उतने ही रहेंगे। इसमें 62 स्पॉट थे, वो 62 ही रहेंगे। स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से इसका रहेगा, इसका डेल्टा भी इसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट पार्टनर क्रॉस लेक डायरेक्ट के डायरेक्ट, इसका कलर कोड वाइज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, पर्सनल इनवाइट, यूएस स्ट्रक्चर, स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, कलर कोड में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी टीयर का जो टाइमिंग है 30 डेज का ही वैलिडिटी रहेगा। 30 डेज के बाद इसको रीएक्टिवेट भी हमें करना पड़ेगा। पेमेंट स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पे 2 तरीके से पेमेंट जनरेट होगा, एक होगा लीगल लेवल इनकम और एक होगा स्ट्रक्चर इनकम, यानी कि एक रेफरल इनकम होगा, एक लेवल इनकम होगा। लेवल इनकम वही 5 ऑर्बिट में हमें 15-15% और जनरेशन इनकम होगा फर्स्ट डायरेक्ट 10%, सेकेंड 7%, थर्ड 4%, फोर्थ 4%। टीयर यहाँ पे 9 ही टीयर होंगे, 9 ही लेवल होंगे जिसका वैलिडिटी भी सेम 30 डेज का ही होगा। स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से इसका वर्क करेगा, 5 ऑर्बिट, 62 स्पॉट, 930% प्रॉफिट एक बार स्ट्रक्चर भरने से हमें मिलेगा। पांच ऑर्बिट, 62 स्पॉट। अगर आपके स्ट्रक्चर में पहले एक लेवल से 2 ही लोग आए हैं और बाद में फिर 2 लेवल से
चार लोग आए हैं, तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से 62 से बढ़ के 5 ऑर्बिट से बढ़ के 6 ऑर्बिट का होगा, और यहाँ पे 124 स्पॉट आपको मिलेंगे जिसका रेवेन्यू 1860% का प्रॉफिट आपको देगा। यहाँ पे हर एक लेवल का स्ट्रक्चर आप देख सकेंगे, डेल्टा आप देख सकेंगे। रेफरल में आपके डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट आप यहाँ पे सीधा देख सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकेंगे। यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर जनरेशन वाइज देखने को मिलेगा, डायरेक्ट उनके डायरेक्ट। आई होप कि दोस्तों आपको गेम एफ का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आने वाले समय में टीयर का काफ़ी अहम रोल रहने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है टीयर को हमें एक्सटेंड करते रहना है, क्योंकि टीयर एक्सटेंड करते हैं तो केवल 20% हमें वैल्यू यहाँ पे लगता है। पहला टीयर है तो हमें 50 डाई नहीं लगता है, 10% यानी कि 10 डाई हमें लगता है। लेकिन अगर हमारा टाइमर खलास हो जाता है तो हमें 100% उसका पेमेंट देना पड़ता है, जो कि 50 डाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीयर हमें कंटिन्यूसली एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि हम टीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अभी भी हम फोर्स कॉइन टीम के माध्यम से हमें मिलता है, और आने वाले समय में भी हमें अगर इसका बेनिफिट लेना है टीम का, तो टीयर को एक्सटेंड करते रहना है। तो आई होप कि दोस्तों गेम एफ का बारे में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्यूरी है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।